जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 7 पर। और वीकली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज हम 23 मई से लेकर के 29 मई 2021 तक के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो हमने सेलेक्ट किए हैं। ये 75 क्वेश्चन हैं कि जो आपसे आने वाले प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। पिछले हफ्ते के करंट अफेयर्स अगर आप नहीं देख पाए हैं तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। और जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं उसका डिटेल एनालिसिस वीडियो हमने अपलोड कर रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। और उन सब वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित किस तारीख को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? 22 मई को या फिर 23 मई को या फिर 24 मई को या फिर 25 मई को? तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चीन निम्नलिखित किस देश के सहयोग से तियानवान और सुदापु परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण कर रहा है? इसराइल के सहयोग से या फिर रूस के सहयोग से या अमेरिका के सहयोग से या फिर ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से? तो चीन जो है रूस के सहयोग से तियानवान और सुदापु परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण कर रहा है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बेलारूस देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आलोक रंजन झा या विकास रुस्तम या फिर दिनेश अग्निहोत्री या फिर जेम्स डिकोस्टा? तो बेलारूस में जो है भारत की तरफ से जो नए राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं वो आलोक रंजन झा हुए हैं, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये आलोक रंजन झा जो है 2002 के आईएफएस अधिकारी हैं और ये जो है इससे पहले यानी कि बेलारूस देश में नए राजदूत बनने से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात और अफगानिस्तान देश में भारत के राजदूत ये रह चुके हैं। अच्छा, बेलारूस की बात है तो बेलारूस की राजधानी क्या है? मिंस्क है। और बेलारूस की मुद्रा कौन सी चलती है? तो यहाँ पे रूबल चलती है। और बेलारूस के वर्तमान समय में प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको यहाँ के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हीरो ग्रुप ने किस नाम से अपना एड टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? हीरो सेफे के नाम से या फिर हीरो वायर्ड के नाम से या फिर हीरो एडटेक के नाम से या फिर हीरो लिवेन के नाम से? तो हीरो ग्रुप ने जो है एडटेक जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है वो हीरो वायर्ड के नाम से किया है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के प्लेटफॉर्म पर है और इसके पीछे का जो प्रयोजन है वो ये है कि जो शिक्षार्थी है ना, तो शिक्षार्थियों को औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के लिए तैनात करने हेतु व्यावसायिक विकास की यह प्लेटफॉर्म पेशकश करेगा। और हीरो ग्रुप के सीएमडी कौन है? तो उनका नाम है पंकज एम जुमाल। और हीरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो यह है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ एथलीट समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पी आर श्रीजेश, आर के ओली, बी लाल मिश्रा या फिर ललित भटनागर? तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ एथलीट समिति के सदस्य के रूप में पी आर श्रीजेश को नियुक्त किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने एथलीट समिति में श्रीजेश के साथ में और कई लोगों को नियुक्त किया है, जैसे श्रीजेश परट्टू, मार्लेना रैबचा, मोहम्मद मी और मैट स्वान को भी सम्मिलित किया गया है। अच्छा, जो ये एफआईएच है अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ है, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो ये है स्विट्जरलैंड में। एफआईएच की स्थापना, अच्छा एफआईएच के वर्तमान सीईओ कौन है? तो वो है थियरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 रोगियों पर निगरानी और ट्रैकिंग करने के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने या पंजाब की सरकार ने या राजस्थान की सरकार ने या फिर बिहार की सरकार ने? तो हिट
कोविड ऐप लॉन्च करने वाला जो राज्य है वो बिहार है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हिट का मतलब क्या है, तो हिट में एच का मतलब है होम, आई का मतलब है आइसोलेशन और टी का मतलब है ट्रैक। तो होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनकी ट्रैकिंग करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। और बिहार राज्य के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है नीतीश कुमार। और वर्तमान समय में यहाँ के जो राज्यपाल है वो कौन है, तो वो है फागू चौहान। और बिहार की राजधानी क्या है, तो वो है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति का क्या नाम है, अनिल अंबानी या फिर रतन टाटा या फिर गौतम अडानी या फिर अमिताभ बच्चन। तो एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति जो है गौतम अडानी बन गए हैं, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुकेश अंबानी क्या है कि पहले से ही एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, और अब जो है गौतम अडानी जो कि भारतीय हैं और अब ये जो है एशिया के अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। गौतम अडानी जो है पूरे विश्व में अमीरों की सूची में 14वें नंबर पे आते हैं, और इनकी जो टोटल संपत्ति है वो 6760 करोड़ डॉलर की इनकी प्रॉपर्टी है। और गौतम अडानी ने जो है चीन के झोंग शान शान को पछाड़ कर यह स्थान हासिल किया है। झोंग शान शान पहले सेकंड नंबर पर हुआ करते थे और अब जो है गौतम अडानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, किस संस्था द्वारा एंटीबॉडी डिटेक्शन आधारित किट डिप कोवेन का निर्माण किया गया है, भेल या फिर डीआरडीओ या फिर इसरो या फिर नासा। तो भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के द्वारा डिप कोवेन का निर्माण किया गया है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है ये 97% कोरोना वायरस के स्पाइक के साथ साथ न्यूक्लिक एसिड जो प्रोटीन है उसका पता लगाने में सक्षम है। और डीआरडीओ जो है डिप कोवेन किट का जो निर्माण वेंगार्ड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, सन फार्मा कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, विकास राजन को या फिर पवन गोयनका को या फिर पवन राजपूत को या फिर दिनेश बनवारी को। तो सन फार्मा कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में पवन गोयनका को नियुक्त किया गया है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सन फार्मा कंपनी के प्रबंध सलाहकार के रूप में रमा बीजापुरकर को नियुक्त किया गया है। और ये जो पवन गोयनका है ये पहले जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के MD रह चुके हैं, और सन फार्मा के स्वतंत्र निदेशक के रूप में 31 मई से ये कार्यभार को संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ऑनलाइन खाता खोलने के लिए SBI ने किसके साथ समझौता किया है, हाइपरवर्ज के साथ या फिर विप्रो सुजान के साथ या फिर स्टारेक्स के साथ, लिब सेब्रो के साथ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ऑनलाइन खाता खोलने के लिए SBI ने हाइपरवर्ज के साथ समझौता किया है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और SBI के वर्तमान समय के अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। SBI का मुख्यालय कहां पर है, तो ये है मुंबई में। और SBI की स्थापना कब की गई, तो ये 1955 में की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, किस कंपनी ने ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने का फैसला लिया है, गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने या फिर डकडकगो ने या फिर ओपेरा मिनी ने। इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने का जो फैसला लिया वो माइक्रोसॉफ्ट ने लिया है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये 15 जून से ये बंद हो जाएगा। अच्छा, ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है इसको लॉन्च कब किया गया था, तो 1995 में इसको लॉन्च किया गया था। और माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान CEO कौन है, तो वो है सत्या नडेल। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है वॉशिंगटन में। और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब की गई, तो ये 1975 में की गई। 1995 में इंटरनेट एक्सप्लोरर आया और 1975 में जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ओंकारा हब्रू या फिर सम्मी सिल्वा या फिर विद्रू ओलसी या फिर श्रीरंग निवासन। तो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सम्मी सिल्वा को नियुक्त किया गया है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
और सम्मी सिल्वा पहली बार 2019 में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। इससे पहले क्या है कि यह सम्मी सिल्वा जी जो है श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अच्छा, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर कौन है? तो उनका नाम है टॉम मूडी। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 1975 में की गई। और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी कौन है? तो उनका नाम है मोहन डी सिल्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कौन सी कंपनी भारत केंद्रित सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम का निर्माण कर रही है? रिलायंस जियो या फिर टाटा ग्रुप या फिर अडानी ग्रुप या इनमें से कोई नहीं। तो भारत केंद्रित सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम का निर्माण रिलायंस जियो कर रहा है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? अमेरिका है या भारत है या फिर चीन है या फिर ऑस्ट्रेलिया है? तो अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में जो शीर्ष पर है वो अमेरिका है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। फीफा U17 महिला विश्व कप 2022 कहां पर आयोजित किया जाएगा? नॉर्वे में, सिडनी में, भारत में या फिर लंदन में? तो फीफा U17 महिला विश्व कप जो है 2022 का भारत में होगा, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। किस राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस लॉन्च किया है? गुजरात ने, महाराष्ट्र ने या फिर कर्नाटक ने या फिर केरल ने? तो मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस लॉन्च करने वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सैन्य सहयोग के साथ समुद्री मुद्दों पर समझौता का नवीनीकरण भारत के साथ किस देश ने किया है? ओमान ने किया है, कतर ने किया है, वियतनाम ने किया या फिर मालदीव ने किया है? समुद्री मुद्दों पर समझौता का नवीनीकरण जो है ओमान ने किया है भारत के साथ, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कितने एम्स निर्माण की मंजूरी दी गई है? 21, 22, 23 या फिर 24? तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 22 एम्स के निर्माण की मंजूरी दी गई है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। महिला रग्बी विश्व कप 2022 कहां पर आयोजित किया जाएगा? फ्रांस में, न्यूजीलैंड में या फिर ऑस्ट्रेलिया में या फिर चीन में? तो न्यूजीलैंड में महिला रग्बी विश्व कप 2022 आयोजित किया जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। किस कंपनी ने वीरा जेन नामक टेस्ट किट लॉन्च किया है? सिप्ला ने, सनफार्मा ने या फिर इंटास ने या फिर फाइजर ने? तो दवा निर्माता कंपनी सिप्ला ने, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, सिप्ला ने यू बायो बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम के साथ मिलकर भारत में COVID-19 के लिए RT-PCR टेस्ट किट वीरा जेन लॉन्च किया है। सिप्ला कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में सिप्ला कंपनी स्थापित की गई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो वो मुंबई में है। और वर्तमान समय में सिप्ला के CEO कौन है? तो वो है उमंग वोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। किस अभिनेत्री की आत्मकथा सच कहूं तो को लॉन्च किया गया है? हेमा मालिनी की आत्मकथा है या फिर नीना गुप्ता की है या फिर रेखा की है या फिर परवीन बॉबी की है? तो सच कहूं तो ये नीना गुप्ता जी का है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इन्होंने अपनी इस आत्मकथा में बताया क्या है, तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो नई दिल्ली में है वहां पर इन्होंने जो अपना समय व्यतीत किया था उसके ऊपर है, और 1980 के दशक में मुंबई जाने तक के संघर्ष के बारे में काफी विस्तार पूर्वक इन्होंने चर्चा की है। और इसका जो प्रकाशन किया है पब्लिकेशन हाउस जो है वो पेगुइन रैंडम है, है ना, पेगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा ये प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। मैक्सिको में किसे भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? मृदुल कुमार को या विकास दुबे को या फिर नरेश दयानंद को या फिर आनंद केसरी को? तो मैक्सिको में भारतीय राजदूत के रूप में मृदुल कुमार को नियुक्त किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मृदुल कुमार विदेश सेवा के 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं।
इनका नाम दिल्ली स्थित एनडीएमसी कन्वेंशन हॉल में एक समारोह के दौरान नामांकित किया गया था और मृदुल कुमार अभी तक विदेश मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में चीफ पासपोर्ट ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तेलंगाना राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? वी आर देवदत्त को, या फिर डी एस नारायण शंकर को, या फिर डॉक्टर बी जनार्दन रेड्डी को, या फिर सी वेंकटेश अय्यर को? तो तेलंगाना लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए हैं वो डॉक्टर बी जनार्दन रेड्डी हैं, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? तो है हैदराबाद। और वर्तमान समय में यहाँ के गवर्नर कौन है? तो वो है तमिलसाई सुंदरराजन। और वर्तमान समय मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस बैंक की म्यूचुअल सहायक कंपनी को जीपीएल फाइनेंस कंपनी की बिक्री की मंजूरी दी है? एसबीआई बैंक, या फिर आईसीआईसीआई बैंक, या फिर यस बैंक, या फिर एक्सिस बैंक? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने जीपीएल द्वारा यस एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड और यस ट्रस्टी लिमिटेड के अधिग्रहण की मंजूरी दी है, और जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जल्द ही यस एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड और यस ट्रस्टी के 100% इक्विटी शेयर का अधिग्रहण करेगा। अब ये जो यस बैंक है, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो ये मुंबई में है। इसकी स्थापना कब की गई? तो ये 2004 में की गई। और वर्तमान समय में यस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो वो है प्रशांत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अडानी ग्रीन ने कितने डॉलर में सॉफ्ट बैंक समर्थित एसबी एनर्जी को खरीदा है? $3 अरब में, या फिर $3.5 अरब में, $4 अरब में, या फिर $4.5 अरब में? तो अडानी ग्रीन ने जो है एसबी एनर्जी को $3.5 अरब में खरीद लिया है। अच्छा, अडानी समूह के संस्थापक कौन है? तो वो है गौतम अडानी। अडानी समूह की स्थापना कब की गई? तो ये 1988 में इसकी स्थापना की गई। और इसका मुख्यालय कहां पर है? अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार कौन सा देश है? चीन है, जापान है, भारत है, या फिर रूस है, रशिया है? तो S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के आंकड़ों के अनुसार भारत जो है एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी बाजार है। और इंटेलिजेंस के आंकड़ों के अनुसार एशिया प्रशांत में कम से कम 335 निजी बीमा प्रौद्योगिकी संस्थाएं काम कर रही हैं। अब ये जो S&P ग्लोबल मार्केट एजेंसी है, इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1957 में की गई। और S&P के वर्तमान CEO कौन है? तो वह है डगलस पीटरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। यूएस स्पेस फोर्स के लिए SBIRS GEO-5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट कहां से लॉन्च किया गया? मैक्सिको से, या फिर फ्लोरिडा से, या फिर न्यू जर्सी से, या फिर नामीबिया से? तो SBIRS GEO-5 जो मिसाइल लॉन्च की गई वो फ्लोरिडा से की गई है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, SBIRS का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म है स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम, जो कि मिसाइल चेतावनी, मिसाइल युद्ध क्षेत्र और रक्षा विवरण के हिसाब से डिजाइन किया गया है। और इसका जो कुल वजन है वो 4,850 किलोग्राम का है। और यूनाइटेड लॉन्च रिलायंस ने वर्ष 2018 तक 10 SBIRS सैटेलाइट लॉन्च किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। राजेंद्र सिंह जडेजा का निधन हुआ है, वो किससे संबंधित थे? गेंदबाज थे, या फिर कवि थे, या फिर गायक थे, या फिर लेखक थे? तो सौराष्ट्र के पूर्व तेज गेंदबाज थे ये, तो इनका ए से संबंधित है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ये रेफरी भी थे, और COVID-19 की वजह से 66 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अंतरराष्ट्रीय तिब्बत मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई, 23 मई, या फिर 24 मई, या फिर 25 मई?
तो अंतरराष्ट्रीय तिब्बत मुक्त दिवस 23 मई को मनाया जाता है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। महात्मा गांधी नरेगा कार्यस्थलों पर श्रमिकों की वास्तविक समय की उपस्थिति के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? आर टाइप ऐप, या फिर NMMS ऐप, या फिर NAREG ऐप, या फिर MGN ऐप। तो नरेगा कार्यस्थलों पर जो श्रमिक काम करते हैं तो उनकी अटेंडेंस के लिए जो है NMMS जो है ऐप लॉन्च किया गया है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। FIH का अध्यक्ष किसे चुना गया है? नरेंद्र बत्रा को, या फिर शान मोहम्मद को, या फिर गुलफाम शेख को, या फिर विकास राणा को? तो FIH के जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो नरेंद्र बत्रा जी हैं, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। एशिया कप T20 स्थगित कर दिया गया है, यह किस देश में होने वाला था? भारत में, या श्रीलंका में, या फिर बांग्लादेश में, या फिर वियतनाम में? तो एशिया कप T20 जो प्रस्तावित था वो श्रीलंका में था, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। किस कंपनी ने ब्लैक फंगस ड्रग पास्कोन जोल लॉन्च किया है? बायोकॉन ने, या फिर MSL लैब ने, या फिर जायडस कैडिला ने, या फिर सिप्ला ने? तो ब्लैक फंगस ड्रग पास्कोन जोल MSL लैब ने लॉन्च किया है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। किस राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन किट लॉन्च किया है? उत्तराखंड, या फिर हिमाचल प्रदेश, या पंजाब, या फिर राजस्थान? तो होम आइसोलेशन किट लॉन्च करने वाला जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। जो बाइडेन ने किम सुंग को किस देश में विशेष राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया, वियतनाम, या फिर इजराइल? तो किम सुंग को जो बाइडेन ने उत्तरी कोरिया में विशेष राजदूत के रूप में नियुक्त किया है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। यूनाइटेड नेशन ने गाजा की मानवीय जरूरतों की पूर्ति के लिए कितने मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? 21.5 मिलियन डॉलर, 22.5 मिलियन डॉलर, 23.5 मिलियन डॉलर, या फिर 24.5 मिलियन डॉलर? तो यूनाइटेड नेशन ने गाजा के लिए जो मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 22.5 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश दुबे को, विकास जोशी को, या फिर राम कुमावत को, या फिर राजेश बंसल को? तो राजेश बंसल को, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के रिजर्व बैंक इनोवेशन हब फिनटेक के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। यह रिजर्व बैंक इनोवेशन सेंटर अनुसंधान को बढ़ावा देगा और नए स्टार्टअप सृजन से संबंधित आंतरिक बुनियादी ढांचों को मजबूत करने में अपना योगदान प्रदान करेगा। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1935 में। और भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो यह मुंबई में है। और वर्तमान गवर्नर कौन है भारतीय रिजर्व बैंक के? तो वो है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को, 24 मई को, 25 मई को, या फिर 26 मई को? तो विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अमेरिका के टॉर्टोइस रेस्क्यू संगठन द्वारा विश्व स्तर पर यह कछुआ दिवस मनाया जाता है। और विश्व कछुआ दिवस 2021 की जो थीम है वो क्या है? टर्टल रॉक। इसको याद रखिएगा, 2021 की थीम है टर्टल रॉक। और विश्व पशु दिवस मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में कछुओं के लुप्त होने से बचने के लिए लोगों को जागरूक करना है। और वर्ष 2000 में पहली बार अमेरिका टॉर्टोइस रेस्क्यू संगठन द्वारा विश्व स्तर पर इस दिवस को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक के लेखक कौन है? विकास नयन चौबे, या फिर अवतार सिंह भसीन, या फिर चंदन सिंह रावत, या फिर रूपेश प्रजापति? तो नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक के जो लेखक है वो अवतार सिंह भसीन है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इस पुस्तक में अवतार सिंह भसीन जी ने बताया है कि 1949 से लेकर के 1962 में भारत चीन युद्ध और उसके बाद की घटनाओं का
बहुत ही विस्तार में विश्लेषण किया है। यह पुस्तक जो है दो मुद्दों को बहुत उकेर करके सामने लाती है। पहला है कि भारत के द्वारा चीन को अपना दोस्त समझना, दूसरा है कि देश की सेना को अच्छे हथियार ना उपलब्ध कराने की वजह से हार का सामना करना। तो ये दो मुद्दों के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे अमीर एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? रोजर फेडरर है, या फिर लियोनेल मेसी है, या फिर लुइस हैमिल्टन है, या फिर कोनोर मैकग्रेगर है? तो फोर्ब्स द्वारा जारी जो अमीर एथलीटों की सूची है उसमें शीर्ष पर कोनोर मैकग्रेगर हैं, और इनकी जो कमाई है वो $180 मिलियन की है। और लियोनेल मेसी जो है सॉकर प्लेयर है, और इनकी जो कमाई है वो $130 मिलियन की है। और जो रोनाल्डो है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनकी $120 मिलियन की कमाई है। और चौथे नंबर पे है डॉग प्रेस्कॉट, पांचवें नंबर पे है लेब्रोन जेम्स, छठे नंबर पे है नेमार, सातवें नंबर पे है रोजर फेडरर, आठवें नंबर पे है लुइस हैमिल्टन, और नौवें नंबर पे है टॉम ब्रेडी, और दसवें नंबर पे है केविन ड्यूरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, किस देश की हॉकी फेडरेशन ने एटीएन ग्लिटचच पुरस्कार जीता है? जापान, या फिर इंडिया, या पाकिस्तान, या फिर अफगानिस्तान? तो एटीएन ग्लिटचच पुरस्कार जीतने वाला जो देश है वो इंडिया है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, मोनाको ग्रा प्री फॉर्मूला 1 रेस का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेरस्टापेन, या फिर रोजर फेडरर, या फिर लुइस हैमिल्टन, या फिर एल नॉरिस? तो मोनाको ग्रा प्री फॉर्मूला 1 रेस का जो खिताब जीते हैं वो मैक्स वेरस्टापेन ने जीता है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो पहले नंबर पे मैक्स वेरस्टापेन रहे, दूसरे नंबर पे लुइस हैमिल्टन रहे, और तीसरे नंबर पे मैकलॉरेन चलाने वाले जो रेसर हैं एल नॉरिस रहे, तो तीसरे नंबर पे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रोजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष देसाई, या फिर निरंजन दत्तात्रेय, या फिर शिवशंकर मेनन, या फिर विश्वेश्वर सिन्हा? तो इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रोजेंट नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो शिवशंकर मेनन जी हैं, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पूर्व विदेश सचिव मेमन ने यह पुस्तक भारत के द्वारा अतीत में भी राजनीतिक तूफानों का दृढ़ता से सामना करने का वृत्तांत बताया है। और शिवशंकर मेमन ने वर्ष 1950 में चीन के द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने की गंभीरता को अपने इस पुस्तक में रेखांकित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, किसने रियल मैड्रिड को हराकर ला लीगा चैंपियनशिप का खिताब जीता है? एटलेटिको मैड्रिड, या फिर आर मैड्रिड, या फिर रॉयल मैड्रिड, या फिर फ्रंट रियो मैड्रिड? तो रियल मैड्रिड को ला लीगा चैंपियनशिप में हरा करके जो खिताब जीतने वाले हैं वो एटलेटिको मैड्रिड है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने इस चैंपियनशिप में 86 पॉइंट अर्न किए थे और रियल मैड्रिड ने 84 पॉइंट अर्न किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, लाइबेरिया देश में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकास नारायणन को, या फिर प्रदीप कुमार यादव को, या दिलीप जायसवाल को, या फिर मनीष तिवारी को? तो लाइबेरिया देश में भारत के नए राजदूत के रूप में प्रदीप कुमार यादव को नियुक्त किया गया है, तो ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और प्रदीप कुमार यादव जी जो है 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जो कि वर्तमान में भारतीय विदेश मंत्रालय में पासपोर्ट कार्यकारी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हैं। इसके अलावा सीरिया देश में भारत के नए राजदूत के रूप में महेंद्र सिंह कन्याल को नियुक्त किया गया है। सीरिया देश में महेंद्र सिंह कन्याल को राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, अंतरराष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 किसने जीता है? लिप्सियान विट्रो, या फिर वेलेरिया लुसेली, या फिर कुनु विरोस, या इनमें से कोई नहीं? तो अंतरराष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार जीतने वाले 2021 के वो वेलेरिया लुसेली हैं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इन्होंने एक उपन्यास लिखी थी जिसका नाम है लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव,
है ना, उपन्यास का नाम है लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव। इसके लिए इनको जो है अंतरराष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार दिया गया है। और ये जो साहित्य पुरस्कार की शुरुआत हुई वो कब से हुई, वो 1994 से ये स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। हाइब्रिड चावल के जनक युआन लॉन्ग पिग का निधन हुआ है वो किस देश से संबंधित है, चीन से है या फिर उत्तरी कोरिया से है या फिर मंगोलिया से है या फिर वियतनाम से है। तो युआन लॉन्ग पिग अभी 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है और ये चीन से संबंधित है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और युआन लॉन्ग पिग ने 1973 में उच्च उपज वाले हाइब्रिड चावल की खेती करने में सफलता हासिल की थी। अच्छा, चीन की राजधानी क्या है, चीन की राजधानी है बीजिंग। और वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ के राष्ट्रपति है सी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है, 21 मई को, 22 मई को, 23 मई को या फिर 24 मई को। हर साल मार्च महीने की दूसरे सोमवार को, मार्च महीने की दूसरी सोमवार को भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। लेकिन इस साल 2021 में यह जो भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस है ये 24 मई को मनाया गया, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस 2021 की थीम क्या है, थीम है इसकी डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर, थीम है डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर। और राष्ट्रमंडल दिवस भारत और ब्रिटेन के अन्य उपनिवेशों में ब्रिटिश साम्राज्य के गठन की याद को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, अनवी भूटानी को या फिर मयूरी नैनन को या फिर बिन्नी कैलाश को या फिर मैरी सिंथिया को। तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के मैकडालेन कॉलेज के भारतीय मूल के मानव विज्ञान की छात्रा अनवी भूटानी को ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अनवी ऑक्सफोर्ड छात्र संघ में नस्लीय जागरूकता और समानता अभियान की सह अध्यक्ष और ऑक्सफोर्ड इंडिया सोसाइटी की अध्यक्ष भी हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई, 1096 में की गई। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहां पर स्थित है, तो यह स्थित है यूके में, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। केरल के किस व्यक्ति ने भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 का जीता है, जेके ओंजी या फिर विनोद सुवान या फिर साजी एनएम या इनमें से कोई नहीं। तो केरल के जो व्यक्ति हैं साजी एनएम, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 जीता है और इनको जो है केरल के ट्यूबर मैन के नाम से जाना जाता है। साजी एनएम को पालतू प्रजाति के संरक्षण के लिए भारत जैव पुरस्कार दिया गया, विविधता पुरस्कार इनको दिया गया है। पुरस्कार के साथ में 2 लाख रुपए की नगद धनराशि भी प्रदान की गई है। 2015 में PVNFR अथॉरिटी न्यू दिल्ली द्वारा स्थापित प्लांट जीनोम सेवियर रिवार्ड भी इनको प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। किसने वर्ष 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है, जेन गुडाल ने जीता है या फिर लेप्रो विनीत ने जीता है या फिर विन सुवांग ने जीता है या इनमें से कोई नहीं। तो प्रसिद्ध प्रकृतिविद जेन गुडाल, यानी कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ने वर्ष 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है। और ये जो टेम्पल्टन पुरस्कार है ये जीवित व्यक्ति को दिए जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। टेम्पल्टन पुरस्कार की स्थापना कब की गई, तो 1973 में इसकी स्थापना की गई। इस पुरस्कार के विजेता को $1.1 मिलियन की धनराशि प्रदान की जाती है। और गुडाल ने 1960 के दशक में तंजानिया में चिंपैंजी के अपने अभूतपूर्व अध्ययन पर अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय बैडमिंटन संघ BWF परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, महेश गुप्ता को या फिर विमल जैन को या फिर हेमंत विश्व शर्मा को या फिर नरेश अग्रवाल को। तो भारतीय बैडमिंटन संघ परिषद के अध्यक्ष के रूप में हेमंत विश्व शर्मा को नियुक्त किया गया है, जिसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं ये और इनको वर्ष 2025 तक की अवधि के लिए परिषद का अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है।
और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो यह स्थित है मलेशिया में। और इसके अध्यक्ष कौन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो है पॉल एरिक होयर लार्सन, है ना, पॉल एरिक होयर लार्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, किस शहर के चीकू को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है? पटना बिहार, या पूरी ओडिशा, या फिर पालघर महाराष्ट्र, या फिर लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले के चीकू को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान हुआ है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और भारत में सपोटा को प्रचलित नाम दिया गया है, चीकू बोला जाता है। और हाल ही में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को जीआई टैग प्राप्त आम का एक्सपोर्ट किया है, और इसके अलावा घोलवड सपोटा की खेप को भी यूके यूनाइटेड किंगडम भेजा गया है। अच्छा, महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। वर्तमान समय में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है उद्धव ठाकरे। और वर्तमान समय में यहाँ के गवर्नर कौन है? तो वो है भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, किस संस्था द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया गया है? नासा के द्वारा, या इसरो के द्वारा, या फिर जैक्सा के द्वारा, या फिर डीआरडीओ के द्वारा? तो दुनिया का सबसे बड़ा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा के द्वारा विकसित किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, तो इसकी लंबाई कितनी है? तो है 21 फुट 4 इंच है। और नासा इस दूरबीन को एरियन 5 रॉकेट की मदद से फ्रेंच गुयाना से अंतरिक्ष में भेजेगा, और अनुमानों के अनुसार नासा इसे 31 अक्टूबर को लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? दुष्यंत सिंह नारोहा के नाम पे, या फिर नरेश सिब्बल के नाम पे, या फिर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे, या फिर धनराज पिल्ले के नाम पे? तो मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 2019 में महाराणा रणजीत सिंह पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। पंजाब सरकार ने इसके साथ मेधावी हॉकी खिलाड़ियों के लिए लीजेंड के नाम से एक छात्रवृत्ति की योजना की शुरुआत की है। उन्होंने भारतीय हॉकी टीम को 3 बार ओलंपिक चैंपियन बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। इन्होंने वर्ष 1952 और 1975 में अंतरराष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विकास रस्तोगी को, या फिर सुबोध जायसवाल को, या फिर दीपांशु राठौर को, या फिर विष्णु सोलंकी को? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो के जो नए डायरेक्टर बने हैं वो सुबोध जायसवाल जी बने हैं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सुबोध जायसवाल को KR चंद्रा और VS कौमुदी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली समिति में शीर्ष पद के लिए चुना गया है। और सुबोध जायसवाल 1985 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IPS अधिकारी हैं। ये वर्तमान में CISF के प्रमुख के रूप में कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया है? रूस ने, या जापान ने, या ऑस्ट्रेलिया ने, या फिर मलेशिया ने? तो कृत्रिम मिनी हार्ट का जो विकास हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया में विकसित किया गया है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानव स्टेम सेल से बना तिल के बीज के बराबर, यानी कि 2 मिलीमीटर का यह कृत्रिम दिल 25 दिन के इंसानी भ्रूण में धड़कने वाले हृदय की नकल करता है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया की है बात, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो वह है डॉलर। और वर्तमान समय में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो वह है स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, बॉस मोसले 81 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है, ये किससे संबंधित थे? नासा से, या SpaceX से, या फिर फार्मूला 1 से, या फिर अमेजॉन से? तो बॉस मोसले का जो संबंध है वो फार्मूला 1 से है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बॉस मोसले 1930 के दशक में ब्रिटिश फासीवादी आंदोलन के नेता ओसवाल्ड मोसले के सबसे छोटे बेटे थे,
और बॉस मोसले 1993 में इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के अध्यक्ष पद के लिए नामित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। 2023 तक चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा किस स्पेस एजेंसी ने की है? जैक्सा ने की है, या फिर इसरो ने की है, या फिर रोस्कोमास ने की है, या फिर नासा ने किया है? तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने वर्ष 2023 तक चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो नासा ने चंद्रमा पर भेजे जाने वाले इस मोबाइल रोबोट का नाम क्या रखा है? इसका नाम है वाइपर। और नासा का यह रोबोट चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नासा के मानचित्र द्वारा खोजे संसाधनों की खोज करने में मदद करेगा। तो नासा का मुख्यालय कहां पर है? तो वॉशिंगटन डीसी में है। और इसकी स्थापना कब की गई? तो 1958 में नासा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के पद पर किसको नियुक्त किया गया है? एस एन श्रीवास्तव को, या फिर आर के चौबे को, या फिर वैभव भंडारकर को, या इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के पद पर एस एन श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और एस एन श्रीवास्तव जी 1985 बैच के आईपीएस अफसर हैं। ये सीआरपीएफ के स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर बनकर दिल्ली आए हैं। और एस एन श्रीवास्तव दिल्ली राज्य के पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक की जगह नियुक्त किए गए हैं। और ये अमूल्य पटनायक जी अभी अपनी नौकरी से रिटायर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। इसराइल देश की जासूसी एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विक्टर हेनरी को, या फिर डेविड बार्निया को, या फिर वेंद्रू देवचाई को, या फिर ल्यूस मोर्गन को? तो इसराइल देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश की जासूसी एजेंसी मोसादा के नए प्रमुख के रूप में डेविड बार्निया को सेलेक्ट किया है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डेविड बार्निया जासूसी एजेंसी मोसाद के वर्तमान प्रमुख योसी कोहेन की जगह लेंगे। और डेविड बार्निया 30 साल पहले मोसाद में भर्ती हुए थे। तो इसराइल की बात है तो इसराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो इसराइली सेकेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। एटीपी जिनेवा ओपन फाइनल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? लिन चुआन ने, या फिर हेनरिस देवसू ने, या फिर कैस्पर रूड ने, या फिर डेनिस सापोवालोव ने? तो एटीपी जिनेवा ओपन फाइनल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले कैस्पर रूड हैं, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने डेनिस सापोवालोव को हराया था। 22 वर्ष की आयु में कैस्पर रूड ने ब्यूनस आयर्स का भी खिताब जीता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। गूगल ने किस शहर में पहला फिजिकल स्टोर खोला है? बीजिंग में, या पेरिस में, या फिर बेंगलुरु में, या फिर न्यूयॉर्क में? तो गूगल ने न्यूयॉर्क शहर में अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोला है, जहां ग्राहकों को हार्डवेयर और सेवाओं का मददगार तरीके से अनुभव करने को मिलेगा। गूगल ने एप्पल स्टोर की तरह इस वर्ष चेल्सी में 2021 की गर्मियों में लोगों के लिए विशेष तरीके का पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोला है। इस रिटेल स्टोर में ब्राउजर की सुविधा के साथ साथ पिक्सेल फोन से लेकर नेस्ट उत्पाद, फिटबिट डिवाइस से लेकर पिक्सेल बुक जैसी चीजें ग्राहकों को मिल पाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। गोल्डन बूट पुरस्कार 2020-21 का खिताब किसने जीता है? हैरी केन ने, या फिर मैक्स वीरेपन ने, या फिर डेविड कैलरोस ने, या इनमें से कोई नहीं? टोटेनहम हॉटस्पर के कप्तान हैरी केन ने तीसरी बार प्रीमियर लीग गोल्डन बूट का अवार्ड जीता है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हैरी केन ने लिवरपूल के मोहम्मद सलाह को पीछे छोड़ते हुए 23 गोल मार करके गोल्डन बूट को हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। रुडोल्फ वी शिल्डर पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन बना है? विकास धीमान, या फिर डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, या फिर मनीष रावत, या फिर दीपांशु कटारिया? तो रुडोल्फ वी शिल्डर पुरस्कार जीतने वाला जो प्रथम भारतीय है वो डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी जी हैं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी जी जो है AIG अस्पतालों के अध्यक्ष हैं, और ये
गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट भी हैं। और रेड्डी जी को यह पुरस्कार अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी के द्वारा दिया गया है। यह प्रतिष्ठित क्रिस्टल अवार्ड डॉक्टर सिल्डर के नाम पर रखा गया है, जिन्हें गैस्ट्रोस्कोपी का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। अमेजन कंपनी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नेफू लैरिस को, या फिर मेनन स्मिथ को, या फिर एंडी जैसी को, या फिर जेम्स डेविड को? तो अमेजॉन कंपनी के सीईओ के रूप में एंडी जैसी को नियुक्त किया गया है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है 5 जुलाई से अमेजॉन कंपनी के सीईओ के पद पर कार्यरत होंगे। एंडी जैसी वर्तमान में अमेजॉन वेब सीरीज के वर्तमान सीईओ हैं, जो कि अमेजॉन कंपनी के वर्तमान सीईओ जेफ बेजोस की जगह लेंगे। अच्छा, अमेजॉन के संस्थापक कौन है? तो वो है जेफ बेजोस। अमेजॉन की स्थापना कब की गई? तो की गई थी 1994 में। और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ये है वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गोपाल चौरसिया को, या फिर जगजीवन रेड्डी को, या फिर दिनेश भोपा को, या फिर जगजीत पवारिया को? तो जगजीत पवारिया को इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगले पांच वर्षों के लिए INCB यानी कि इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष पद के लिए इनको चुना गया है। उन्होंने अपने कैरियर में 35 वर्षों तक भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ पदों पर कार्य किया है और वियना के नारकोटिक्स ड्रग आयोग में 2007 से लेकर के 2012 तक भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी थी हैं। और पवारिया जी ने 1988 में दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB की पढ़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। किस बैंक ने बेंगलुरु में मोबाइल ATM स्थापित किया है? HDFC बैंक ने, या फिर PNB बैंक ने, या फिर SBI बैंक ने, या इनमें से कोई नहीं? तो HDFC बैंक ने बेंगलुरु में मोबाइल ATM स्थापित किया है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म है। और HDFC बैंक के द्वारा ऑटोमेटेड टेलर मशीन स्थापित करने वाला बेंगलुरु 25वां शहर बन गया है। इस मोबाइल ATM की मदद से HDFC बैंक के ग्राहक, अच्छा HDFC बैंक के वर्तमान CEO कौन है? तो उनका नाम है शशिधर जगदीशन। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो यह है मुंबई में। और इसकी स्थापना कब की गई? तो 1994 में HDFC बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। किस राज्य सरकार द्वारा अंकुर योजना की शुरुआत की गई? मध्य प्रदेश के द्वारा, या असम के द्वारा, या फिर ओडिशा के द्वारा, या फिर नागालैंड के द्वारा? तो अंकुर योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस अंकुर योजना के पीछे का उद्देश्य क्या है? तो वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, शिवराज सिंह चौहान ने मानसून में पेड़ों को लगाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की है। अच्छा, मध्य प्रदेश है तो इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है भोपाल। वर्तमान समय में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। 14वां भारतीय यूनिकॉर्न सम्मान किस बैंकिंग प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ने जीता है? कुक्कू ने, या फिर जेटा ने, या फिर एक्सन ने, या इनमें से कोई नहीं? तो 14वां भारतीय यूनिकॉर्न सम्मान जो है जेटा ने जीता है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जेटा ने सॉफ्ट बैंक से $1.45 बिलियन के मूल्यांकन पर $250 मिलियन की राशि एकत्रित की है। सॉफ्ट बैंक निवेश के परिणाम स्वरूप जेटा कंपनी के मूल्य में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। वर्तमान में यह कंपनी 10 बैंकों के साथ 25 स्टार्टअप के साथ काम कर रही है। अच्छा, जेटा की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 2015 में हुआ। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो जेटा का मुख्यालय है बेंगलुरु में। और जेटा के संस्थापक कौन है? तो वो है भाविन तुर्खिया और राम की गद्दीपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। भारत की पहली महिला टेस्ट इंजीनियर कौन बनी है? लिप टेरिस, या फिर सैमुआ, या फिर आश्रिता,
या फिर चेल्सिया। तो कर्नाटक राज्य की आश्रिता वी ओलेटी भारत की पहली महिला टेस्ट इंजीनियर बनी है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने पायलट स्कूल में एक साल का कोर्स पूरा करने के बाद 43वें फ्लाइट टास्क कोर्स में हिस्सा लेकर स्नातक की डिग्री हासिल की। इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बेंगलुरु के MVJ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पूरी की है और आश्रिता ने ये कोर्स एयर फोर्स टेस्ट पायलट स्कूल से पास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने फेक बस्टर नामक डिटेक्टर विकसित किया? IIT रोपड़ ने, या फिर IIT वाराणसी ने, या फिर IIT दिल्ली ने, या फिर IIT खड़गपुर ने? तो ऑस्ट्रेलिया के मोनास विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रोपड़ के साथ, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, IIT रोपड़ के साथ मिलकर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से धोखेबाजों की पहचान के लिए फेस बस्टर नामक डिटेक्टर डिवाइस डेवलप किया है। उन्होंने इस डिटेक्टर का निर्माण वीडियो में हेरा फेरी एवं धोखाधड़ी के मामलों को मद्देनजर रखने के लिए किया है और ये जो फेस बस्टर है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से काम करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, PGA चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? फिल मिकेलसन ने, या फिर जूलियस बोरोस ने, या फिर जैक्सी सिचांग ने, या फिर कैपलिन सुविच ने? तो प्रसिद्ध अमेरिकी गोल्फर फिल मिकेलसन ने ये चैंपियनशिप जीता है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और इन्होंने ये चैंपियनशिप 50 वर्ष की उम्र में जीता है। मिकेलसन ने 50 साल 11 महीने और 7 दिन की उम्र में इतिहास में प्रमुख चैंपियनशिप के सबसे उम्र दराज विजेता का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये रिकॉर्ड किसका टूटा है? तो उनका नाम है जूलियस बोरोस, इन्होंने मिकेलसन ने जूलियस बोरोस का रिकॉर्ड तोड़ करके इनको पीछे कर दिया है और वो टॉप पे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, इक्वाडोर देश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लेनिन मोर्नी, या फिर गिलर्मो लासो, या फिर एड्रेस एरे, या इनमें से कोई नहीं? इक्वाडोर देश के नए राष्ट्रपति के रूप में गिलर्मो लासो को नियुक्त किया गया है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इक्वाडोर के भूतपूर्व राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे लेनिन मोर्नी, और गिलर्मो लासो इक्वाडोर के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। इक्वाडोर है तो इक्वाडोर की राजधानी क्या है? तो इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो वो है यूनाइटेड स्टेट डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, और आज के करंट अफेयर्स का ये आखिरी क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना की शुरुआत की है? केरल की सरकार ने, या फिर आंध्र प्रदेश की सरकार ने, या फिर तेलंगाना, या फिर ओडिशा? तो स्मार्ट किचन योजना की शुरुआत केरल की सरकार ने किया है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये था पूरा 75 क्वेश्चन जो 23 मई से लेकर के 29 मई तक के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके आने वाले एग्जाम है, चाहे UPSC का हो, चाहे BPSC का हो, चाहे UPPCS का हो, या NDA का हो, RRB, NTPC किसी का भी हो, तो ये सारे क्वेश्चन संभावित हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रीवियस जो वीक निकला है अगर वो आप नहीं देख पाए हैं तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन सेक्शन में मिल जाएगा। जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनके ऊपर वीडियो बना रखी है, करंट अफेयर सेक्शन में जाकर के, प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए स्टडी पॉइंट 7 के।